हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, आज एक बार एक नए और शानदार क्वेश्चन के साथ हाजिर है। ये क्वेश्चन वैसे सीडीएस में पूछा गया था कभी, देखते हैं क्या कह रहा है। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है वैसे, सॉरी ट्रायंगल का भी है, हाँ बोल सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक भी है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री का यार। ठीक है, क्या कह रहा है ये। इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, देन व्हाट इज कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू। सबसे पहले तो जितना हमें पता है बता रखा है इसने वो बना दो। ये बनाया हमने ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे है, यानी कि ये तो सी है भाई। अब तुम जहाँ से भी देना चाहो, मैंने लिख दिया ए बी सी इस प्रकार से। इस प्रकार से मेन चीज़ क्या है कि जो राइट एंगल है वो सी वाले पे है। अब ये कह रहा है कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोनों में है। सबसे पहले मुझे ए प्लस बी निकालना है, तो हम यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या देख सकते हैं हम, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है किसी भी ट्रायंगल का, तीनों इंटीरियर एंगल का। और एक जब 90 डिग्री हो गया तो बाकी के बचे हुए दो क्या हो जाएंगे, नेचुरल सा है। 180 माइनस 90 कितना होगा, ये 90 डिग्री बच जाएंगे, यानी कि ए प्लस बी यहाँ से मुझे पता चल गया कितना है, ये 90 डिग्री है। तो सीधे सीधे यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 1। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक।